गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रीगेशन में कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं होंगे, वो टेक्निक और ट्रिक्स होंगी। इस तरह की टेक्निक और ट्रिक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि इंट्रीगेशन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो जरूरी है कि टेक्निक और ट्रिक्स को समझें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये है रूट एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। जनरली क्या होता है कि आपको कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करनी होती है। प्रॉब्लम से होती है कि किसे टी माना जाए कि बात बन जाए। इंट्रीगेशन बस टी मानने का मैटर है, क्या चीज सब्स्टिट्यूट करी जाए, क्या टेक्निक लगाई जाए, क्या ट्रिक लगाई जाए। देखिए, यदि मैं यहां पर इसको टी मान लूं तो कोई बात नहीं बनेगी, लेकिन यहां पर टेक्निक और ट्रिक क्या है, आप यहां से रूट एक्स कॉमन ले लीजिए तो आपके पास यहां क्या रहेगा, रूट एक्स प्लस वन रहेगा। आप यहां से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स थ्री बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू और माइनस वन। ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर में से आप वन बाई टू कॉमन ले रहे हो, ठीक है, तो टू में से वन बाई टू पावर कम हो जाएगी तो एक्स पावर थ्री बाई टू बचेगा। अपॉन नीचे भी आप रूट एक्स कॉमन ले सकते हो। अब आप रूट एक्स कॉमन लेने हो, आप कहो सर रूट एक्स यहां तो है नहीं, कॉमन लेने का मतलब है आप उस नंबर से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आपने यहां रूट एक्स कॉमन लिया तो आपके पास यहां एक्स बचेगा, यहां पर एक्स को रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स आएगा और यहां वन आएगा, ठीक है जी, और ये आपके पास डी एक्स रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट एक्स प्लस वन, आप यहां पर इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स रूट एक्स होल क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन डी एक्स, ये रहेगा ना। यस सर। आपके पास इतना नंबर आ गया। अब जरा देखिए आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको याद है क्या। यस सर। क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। आप इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास आ जाएगा आई इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन, यहां पर ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास x आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे आपके पास x प्लस रूट एक्स प्लस वन और ये डी एक्स आएगा, ये आपसे कैंसिल हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट है, आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो आपके पास x माइनस वन डी एक्स आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स प्लस क्या आएगा, सी आएगा। तो सबसे टेक्निक बात जो इंटीग्रेशन में आपने देखी, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इसमें क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होता है। अब आप ये कह सकते हो सर आपको तो पता थी, आपने टेक्निक और ट्रिक्स आपको बता दी, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा। तो इसका तरीका स्टूडेंट यही है कि इस तरह के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ी एक टेक्निक है, यदि आपको टेक्निक और ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सेकंड लगेगा। क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए कि किसी क्वेश्चन में ये रूट आ रहा है तो रूट वाले नंबर को यदि आप टी मान लें तो शायद समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सॉल्व हो जाएगी, रूट वाले नंबर को टी मान लिया जाए तो समस्या सॉल्व हो सकती है। आप यहाँ पर क्या करें कि रूट रूट वन माइनस सी टू पावर टू एक्स को टी मान लीजिए,
ध्यान रखिए, जब आप रूट को टी मानते हो तो आप इसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मत करिए, पहले रूट हटा दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, 1 - e^2 बराबर टी स्क्वायर आएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2e^2 dx बराबर 2t dt आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से dx इक्विवेलेंट निकाल लीजिए तो t dt डिवाइडेड बाई -e^2x आ जाएगा, राइट। आप इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आप यहाँ से निकालोगे इसकी वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t²-1। भाई आप इसको उधर ले आइए, तब आप dx बराबर क्या कह सकते हो, dx बराबर कह सकते हो t dt अपॉन t²-1। आपने इसकी जगह पर क्या रख दिया, t²-1 रख दिया। अब आपके पास क्या रहेगा, अब आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा i = क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, आपने इसको t माना तो t आ जाएगा, इनटू इस dx की जगह पर ये नंबर आएगा t dt अपॉन t²-1। ये कैंसिल हो जाएगा, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि 1 अपॉन ये बना t²-1² dt। आपको याद आना एक फॉर्मूला, 1 अपॉन x²-a² का इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन 2a log x - a अपॉन x + a। ठीक है, 1 अपॉन 2a log x - a अपॉन x + a। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो i = 1 अपॉन 2 log t - 1 और t + 1। टी की वैल्यू पुट करिए, टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, टी की वैल्यू थी रूट में 1 - e^2x, है ना, ये आपने टी माना था, इसको वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आई क्या हो जाएगा, आई होगा 1 अपॉन 2 log √1 - e^2x - 1 √1 - e^2x + 1 +। बस में आई, यदि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंटीग्रेशन की, उस पर जाइए और बहुत अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।